Today's lecture, we will discuss about Kirchhoff's laws. There are two laws, Kirchhoff's first law and Kirchhoff's second law. Firstly, we discuss about Kirchhoff's first law. Okay, what Kirchhoff's first law stated? It stated the algebraic sum of current at a junction is equal to zero. In the previous lecture, I told you a principal node is known as a junction. Okay, what is a principal node? Where two or more than two elements are connected is known as a principal node. क्या कहना है definition में देखिए, जो algebraic sum है current का, कितने भी current हो, एक junction पर वो zero के equal होगा. Okay, किसके equal होगा? Zero के. Fine, let's suppose I have a junction O. Okay, at which I1, I2, I3, I4 and I5 currents are connected. Okay, see, I1 current is coming towards the junction, I2 current is coming towards the junction and I3 current is going away from the junction, or you can say leaving the junction. I4 also leaving the junction. I1, I2, I5. I1, I2 और जो I5 है वो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, तो हम बोल देंगे इनकमिंग या कमिंग करंट. I4 और I5 है जो वो जंक्शन को लीव कर रहे हैं, तो हम बोल देंगे लीविंग करंट. ठीक है, फ्रॉम द किरचॉफ्स लॉ देयर आर सम साइन कन्वेंशन. ठीक है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि जो इनकमिंग करंट्स हैं, ठीक है, इनकमिंग करंट्स हैं जो जंक्शन की तरफ आते हैं, उनको हम बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव लेंगे, और जो आउटगोइंग करंट्स होते हैं, यू कैन से लीविंग करंट्स होते हैं, उनको हम नेगेटिव लेंगे. ठीक है, सी हमने कहा कि सबका सम जीरो के इक्वल होगा. ठीक है, करंट I1 लिया, ये जंक्शन की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव आ गया प्लस I1, इनका सम. ठीक है, सबका सम करना है. I2 जंक्शन की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव ले लिया. ठीक है, I3 जंक्शन से दूर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो लीविंग मतलब माइनस का साइन लेंगे. सिमिलरली I4 लीविंग करंट है एंड देन I5 है जो वो एंटरिंग या यू कैन से इनकमिंग करंट इज इक्वल टू जीरो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ किरचॉफ फर्स्ट लॉ. ओके, वी कैन सिंपली राइट दिस I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 माइनस I4 and then I5 is equal to 0. Okay, here you can say that I1 plus I2 minus I3 minus I4 plus I5 is equal to 0. Okay, this can also be written as I1 plus I2 plus I5. Isko right hand side le jayenge, minus ka hai, right hand side jayega to plus I3, idhar jayega to plus I4. Theek hai, now see that I1, I2 and I5, these all are incoming currents. ठीक है, तो जो incoming currents का sum हुआ, sum of incoming currents, okay, वो किसके equal होगा? I3, I4, I3 and I4, okay, I3 and I4, ये क्या हो गए हमारे पास? लीविंग करंट. ठीक है, मतलब जो सम है इनकमिंग करंट्स का वो किसके इक्वल हो गया? सम ऑफ लीविंग करंट्स या यू कैन से आउटगोइंग करंट. इसका मतलब कि जो फर्स्ट लॉ को हम कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट्स. दैट मींस ये किसको ओबे कर रहा है हमारा?
वो भी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है उस लॉ को ये ओबे करता है। ठीक है, मतलब जो जंक्शन पॉइंट है उस पर ना तो चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ है ना क्रिएट हुआ है, जितना चार्ज था हमारे पास नेट हमारे पास फाइनल उतना ही चार्ज रह गया है। ओके, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम बोल सकते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, ओके, या यू कैन से किरचॉफ जंक्शन लॉ, दिस इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन लॉ, या यू कैन से करंट लॉ। ओके, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू यू। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ सेकेंड लॉ स्टेट दैट इन अ क्लोज सर्किट सम ऑफ ऑल द ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो। इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप। ओके, वोल्टेज ड्रॉप किसमें होता है? रेसिस्टर्स के अक्रॉस होता है। ये कह रहा है कि कोई भी क्लोज सर्किट लिया, से इट इज अ क्लोज सर्किट, कहीं से भी ओपन नहीं है, ठीक है, उसमें जो ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप का सम होगा वो किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, बिफोर राइटिंग द इक्वेशन फॉर दिस फिगर आई गिव यू सम कन्वेंशन। किरचॉफ ने कुछ कन्वेंशंस दी थी। सबसे पहले उसने दी थी ईएमएफ के लिए कन्वेंशन, या यू कैन से फॉर वोल्टेज के लिए कन्वेंशन। ये क्या कह रहा है कि वोल्टेज में राइज हुआ तो आप उसे पॉजिटिव ले लेना। ठीक है, अगर वोल्टेज में फॉल हो जाए, मतलब वोल्टेज में कमी आ जाए, डिक्रीज हो जाए, तो आप उसे नेगेटिव ले लेना। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको जब हम इसके लिए किरचॉफ सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखेंगे तो समझ आ जाएगा। दूसरा, उसने करंट के लिए बोला, वो कहता है कि जिस डायरेक्शन में आपका लूप चलेगा, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप लूप को चलाएंगे, अगर करंट उसी डायरेक्शन में हुआ तो आप उसे नेगेटिव लेंगी। मतलब लूप की और करंट की डायरेक्शन है जो, वो सेम हो गई तो आप उसे नेगेटिव लेंगे, और लूप और करंट की डायरेक्शन अगर डिफरेंट हो गई तो आप उसे पॉजिटिव लेंगे। फाइन, रिमेंबर दिस टू पॉइंट्स, फर्स्ट वन इज फॉर ईएमएफ एंड देन सेकंड वन इज फॉर करंट। नाउ अंडरस्टैंड, हियर आई हैव अ फिगर, सपोज आई स्टार्टेड माई जंक लूप फ्रॉम दिस नोड। ओके, किच ऑफ सेकेंड लॉज में हमेशा लूप के लिए बात कर रहे हैं। देखो, मान लो मैं यहां से लेकर ऐसे चल रही हूं, ठीक है, मैं अपने सर्किट को इस तरीके से देख रही हूँ कि मैंने पहले देख अपने सर्किट में चले तो मुझे एक रेसिस्टर मिला, देन फिर रेसिस्टर मिला, फिर ये हमारे पास एक वोल्टेज बैटरी है, यू कैन से ये भी वोल्टेज का ही सिंबल होता है, ठीक है, और फिर मैं वापिस इस पे आ गई। एक क्लोज पाथ को ही लूप बोलते हैं, यही एक क्लोज पाथ हुआ, तो मैंने अपनी डायरेक्शन इस तरीके से ली, मतलब क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन होती है, ये क्लॉकवाइज होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज होती है आपकी डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नाउ लेट्स राइट द इक्वेशन। मान यहां से मैं करंट को फ्लो कर रही हूं प्लस, ठीक है, से आई करंट फ्लो कर रहा है, यहां आई करंट पूरे सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास, ठीक है, इसमें भी आई करंट है। यहां से हम चले, करंट इस तरफ जा रहा है, ठीक है, करंट इस तरफ जा रहा है और जो हमारा लूप है वो भी इस तरफ चल रहा है, मतलब मैं करंट के लिए माइनस साइन लूंगी, माइनस आई। लेट्स सपोज इस रेसिस्टर की जो वैल्यू है वो आर वन है और इसकी आर टू है, ठीक है, वोल्टेज के लिए बात कर रहे हैं हम कि वोल्टेज ड्रॉप जीरो के इक्वल होगी। वोल्टेज ड्रॉप क्या होती है? वी इज इक्वल टू आई आर से माइनस आई आर वन।
माइनस का साइन क्यों आया? क्योंकि लूप और करंट की डायरेक्शन क्या हो गई थी? सेम हो गई। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे। यहाँ करंट इस तरफ जा रहा है नीचे को, और हमारा लूप भी नीचे को आ रहा है, मतलब माइनस साइन है ये, माइनस आई आर टू। ठीक है, नाउ वी मूव। यहाँ कुछ नहीं है, कनेक्टिंग वायर है सिंपल। यहाँ माइनस से पॉजिटिव की तरफ, मतलब इंक्रीज कर रहा है। पहले हमारे कम थी, मान लो मैं आपको बोलती हूँ पहले हमारी माइनस टू थी, अब फोर आ गया। ठीक है, तो हमारा ये क्या होता है, इंक्रीज होना, बढ़ना। पॉजिटिव हमेशा ज्यादा होता है, नेगेटिव कम होता है। तो सिंपल वही बात है कि हमारा वोल्टेज क्या हो गया, इंक्रीज कर गई। जब वोल्टेज राइज कर जाती है या इंक्रीज कर जाती है तो हम उसके लिए लेते हैं पॉजिटिव साइन। तो हम यहाँ लेंगे प्लस, इसकी जो भी हमारे पास वैल्यू है से वी टू है, प्लस वी टू। नाउ कम हियर, माइनस टू प्लस, फिर से हमारा राइज कर रहा है तो हम लेंगे प्लस वी वन। फिर से हम उसी नोड पर आ गए, इनका सम इक्वल टू हो गया जीरो। ठीक है, ये हमारी सिंपल सी इक्वेशन थी। ओके, सपोज हमारे पास यहाँ इस ब्रांच में, सिंपल इसमें ऐसे होता, ठीक है, ये कनेक्ट है, प्लस टू माइनस होता। ओके, तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो मतलब फोल कर रहा है, तो हम नेगेटिव लेते। फिर हम यहाँ इक्वेशन में क्या लिखते, माइनस बी टू। ओके, आई थिंक इट्स वेरी अंडरस्टूडेबल टू यू। ओके, दस देयर आर टू साइन कन्वेंशन। सो किरचॉफ सेकेंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज लूप लॉ, या यू कैन से क्लोज्ड सर्किट लॉ। ओके, दीज आर द टू डिफरेंट नेम फॉर किरचॉफ सेकेंड लॉ। जैसे हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ था, वो किसको ओबे करता था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। ऐसे हमारा किरचॉफ सेकेंड लॉ है, वो किसको ओबे करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी करता है। ओके, फर्स्ट लॉ की हम मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेते हैं, समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, मतलब मैथ में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो फर्स्ट लॉ को, समीशन क्या होता है, एल्जेब्रिक सम, मतलब सबका सम। आई है जो, वो यहाँ टोटल करंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो आपके इनकमिंग करंट्स है, चाहे वो आपके लिविंग या आउटगोइंग करंट्स है। ठीक है, उनका सम हमेशा जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे किरचॉफ सेकंड लॉ में मैथमेटिकल फॉर्म हम लिख लेते हैं, समीशन ऑफ सम ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ को ई से डिनोट करते हैं, एंड वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, आई आर, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो जितने भी वोल्टेजेस का सम होता है इस लूप में, वो जीरो के इक्वल है। या आप कह सकते हैं कि जितने भी वोल्टेज का सम है वो जीरो के इक्वल है। ओके, ये हमारा केसीएल और केवीएल था। केसीएल मतलब कि जो फर्स्ट लॉ, ठीक है, करंट लॉ हमने यहाँ बोला कि करंट लॉ भी बोलते हैं, ये केसीएल बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इसको वोल्टेज के लिए था ये, तो वोल्टेज लॉ, क्योंकि हमने वोल्टेज की बात करी है, और यहाँ हमने वोल्टेज की बात करी है, और यहाँ हमने करंट की बात की, इसलिए केसीएल केवीएल आ गया। रिमेम्बर वन पॉइंट, ऑलवेज रिमेम्बर, केसीएल एंड केवीएल आर एप्लीकेबल टू लम्प्ड एलिमेंट। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर दिस पॉइंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, नाउ व्हाट इज लम्प्ड एलिमेंट, देर आर टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। ओके, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज लम्प्ड, व्हाट इज लम्प्ड एलिमेंट्स, इफ द फिजिकल साइज ऑफ एलिमेंट इज नेग्लिजिबल स्मॉल व्हेन कंपेयर्ड टू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन, एलिमेंट इज नोन एज लम्प्ड एलिमेंट।
जब एलिमेंट का फिजिकल साइज, ठीक है, फिजिकल साइज मतलब किस कितना साइज है, वो छोटा होगा वेवलेंथ से. वेवलेंथ किसकी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन की, मतलब कितनी प्रोपगेशन होता है, कितनी दूर ट्रेवलिंग, यू कैन से ट्रेवलिंग. ठीक है, तो फिजिकल साइज वेवलेंथ ऑफ ईएमएफ प्रोपगेशन से स्मॉल है. ठीक है, नेग्लिजिबली स्मॉल, तो हम बोलेंगे कि वो लंप्ड एलिमेंट्स है. ठीक है, और जो लंप्ड एलिमेंट्स होते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी की एप्लीकेशन पर एप्लीकेबल होते हैं. लो फ्रीक्वेंसी, ये म्यू इज साइन फॉर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इसका एग्जाम्पल आ जाता है हमारे पास लंप्ड का इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेसिस्टर. ओके, क्योंकि इनका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है. ठीक है, इनका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है. वेवलेंथ यहां बोलेंगे कि वी और आई सी. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा? अगर फिजिकल साइज है वो कंपेरेबल होगा. रिमेंबर आई सेड कंपेरेबल, नॉट ग्रेटर देन. ठीक है, जब कंपेरेबल होगा तो हम बोल देंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स है. ठीक है, ये लो पर एप्लीकेबल होता था, ये हाई पे. इसमें नेग्लिजिबली स्मॉल था और इसमें कंपेरेबल. ठीक है, उसमें नेग्लिजिबली स्मॉल था. देखो मैं दोबारा बता देती हूँ कि लम्ब्ड एलिमेंट्स आपके क्या हुए. लम्ब्ड एलिमेंट्स जब फिजिकल साइज है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है, मतलब छोटा है वेवलेंथ ऑफ ईएमएफ वेव प्रोपगेशन से. सिंपल देखते हैं, जो एक सर्किट ले लिया मैंने, सपोज इसमें एक, यहाँ जो मैं वोल्टेज अप्लाई करती हूँ वो बहुत ज्यादा होती है. जैसे नॉर्मली इंडिया में आते हैं 220 वोल्ट की सप्लाई. ठीक है, जो मैंने ये वोल्टेज अप्लाई की है वो इस रेसिस्टर से बहुत ज्यादा बड़ी है. वोल्टेज बड़ी है, रेसिस्टर का साइज क्या होता है? बिल्कुल छोटा सा होता है. इतना सा आप गूगल पे चेक कर सकते हैं कि जो रेसिस्टर्स होते हैं उनका साइज बहुत स्मॉल होता है, लेकिन वोल्टेज ज्यादा आ रही है. ठीक है, वो फिजिकल साइज है, वो वोल्टेज से क्या है? स्मॉल है. तो इसका मतलब ये लंप्ड एलिमेंट है. ये आ रही है, प्रोपगेट हो रही है एक तरीके से, इसलिए हमने बोला है कि वेवलेंथ है ईएमएफ वेव प्रोपगेशन. डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या हो जाता है? हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स है उसमें हमारा कंपेरेबल हो जाता है, मतलब इक्वल टाइप, यू कैन से. ओके, दिस ऑल आर फॉर किरचॉफ्स लॉज. If you have any doubt regarding to these, then you can ask me in comment section. Okay? Thank you so much.